wonderful. So, so you all are doing great, you guys. So, welcome or welcome back to another Ajio haul, you guys. But this time, trouser haul, jeans haul नहीं है. इस बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कुछ टॉप. सभी अजियो से ही होने वाले हैं एंड वहाँ पर सेल भी लाइव है तो आपको और अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में ये मिल जाएंगी. सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम गाइज, लेट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. फर्स्ट लेट जस्ट स्टार्ट विद दिस यू नो टॉप जो मैंने भी वेयर करा है. मुझे बहुत ज्यादा क्यूट ये टॉप लगा है एंड फुली कॉटन मटेरियल टॉप रहेगा. एज यू कैन सी इसका यू नो नेकलाइन बहुत ही ज्यादा सुंदर है. बहुत ही ऐसे स्लीव में यू नो आपको इस तरह से फ्रिल्स मिल जाएंगे इसमें. एंड ये मैंने लिया है साइज स्मॉल में. एक्स्ट्रा स्मॉल अवेलेबल नहीं था बट या स्मॉल साइज मुझे बहुत ही परफेक्टली फिट हो गया. तो अपना साइज चार्ट जरूर एक बार देख लेना क्योंकि हर ब्रांड का जो साइज चार्ट होगा ना वो डिफरेंट रहेगा. एंड स्पेशली जब आप यू नो डिफरेंट स्टाइल के टॉप्स के साथ जा रहे हो तो उसमें साइज चार्ट एक बार जरूर देख लेना. ये है ब्रांड फाउंड्री से. मैंने इनकी ड्रेसेस ट्राई करी थी अपने लास्ट हॉल में जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी. तो आई थॉट कि यू नो टॉप ही जरूर ट्राई करके देखना चाहिए एंड इतना क्यूट लग रहा था तो मैंने बस परचेज कर लिया. बहुत ही सुंदर लग रहा है. ये टॉप मुझे मिला था 574 रुपीज का. अब उसके लिए मैं बोलूं मुझे बहुत अच्छा लगा है. स्पेशली जब आप इसकी क्वालिटी को फील करके देखोगे ना, 101% कॉटन मटेरियल उन्होंने इसके लिए यूज करा है. नेक्स्ट ना मेरे पास ये ब्लैक टॉप है एंड इसमें ना पूरा ही ऐसे जो लेस लेस टाइप होती है ना उस टाइप का आपको स्टाइलिंग मिल जाएगा. क्रॉप लेंथ ये टॉप रहेगा एंड शोल्डर्स के लिए ना यहाँ पे आपको स्ट्रैपनेस मिल जाएंगी जिसमें की लेस लगाया हुआ है. एक ना बेस्ट पार्ट बताती हूँ. एंड अगर आप कभी भी ऐसे यू नो लेस वाले टॉप परचेज कर रहे हो ना जिनके शोल्डर्स पे लेसेस है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर ना आप ध्यान देना कि अंदर से ना कोई भी उन्होंने मटेरियल लगाया हो कॉटन का या फिर कुछ भी या फिर इलास्टिक लगाई हुई हो. क्योंकि जो लेसेस होती है ना, अगर कॉटन की भी लेसेस है ना तो वो थोड़े टाइम बाद ना ऐसे खुल जाती है. तो वो ना मतलब फुल्ली ऐसे स्ट्रेच हो जाती है एंड वो स्ट्रेचेबल नहीं होती बट वो ना खुल जाएंगी. तो उसके बाद ना वो बहुत ही लूज हो जाएंगी आपको. तो ये चीज का ध्यान रखना अगर आप कहीं भी कभी भी ऐसे यू नो शॉप कर रहे हो लेस वाली चीजें, तो ये चीज ध्यान रखना. इसके आगे ना यहाँ पे आपको फ्रंट पे ये बटन्स मिल जाएंगे. कुछ भी ओपन नहीं होगा, मतलब आप ये बस ही शो के लिए इन्होंने लगाए हुए बटन्स. एंड इसका नीचे का जो पार्ट है ना टॉप का, यहाँ पर आपको ये ना टाइप वाला सिचुएशन मिल जाएगा. तो अपने हिसाब से लूज एंड टाइट करके वेयर कर सकते हो, जितना भी आपको टाइट करना है जितना भी लूज करना है. फिटिंग मुझे काफी अच्छा लगा है इस वाले टॉप का भी. इसका जो मटेरियल है वो भी 100% कॉटन मटेरियल रहेगा तो समर्स टाइम के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है. ये है ब्रांड फायर रोज से एंड एक्स्ट्रा स्मॉल मैंने अपना साइज में लिया है. मुझे परफेक्टली फिट ये साइज आ गया है. सो डेफिनेटली बाय कर सकते हो. ये वाला टॉप मुझे मिला था 314 रुपीज का. तो उसके अगर मैं बोलूं गाइस बहुत ही अच्छी डील है. नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटीफुल से फूशिया कलर में टॉप यू गाइस. एंड पूरे ही टॉप में ना आपको टाई एंड टाई वाला सिचुएशन मिल जाएगा फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड से. इसका जो नेकलाइन है ना वो रहेगा हॉल्टर नेकलाइन ब्रांड मैक्स से. यहाँ पे स्मॉल साइज मैंने अपना इसमें लिया है एंड मुझे परफेक्टली फिट हुआ है. ये टॉप मुझे मिला था 528 रुपीज का. उसके लिए अगर मैं बोलूं मुझे बहुत अच्छा लगा है. स्पेशली यू नो जो इसका फिटिंग मुझे आया है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हॉल्टर नेकलाइन में ना यहाँ से मुझे स्ट्रेचिंग करवानी पड़ती है बट इसके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है. मुझे परफेक्टली ये हॉल्टर नेकलाइन फिट हुआ है. नेक्स्ट अप आई हैव दिस ग्रीन कलर में टॉप यू गाइस. बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है यार ये वाला ग्रीन कलर. ये बाल बाहर आ गए. मैंने एक्चुअली अपने बैंग्स यू नो कट करने का ट्राई करा था बट मुझ में ना हिम्मत नहीं हो पाई तो वो थोड़े से बड़े कट गए. तो नाउ बस वो है लाइक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं उधर कहीं तो. बट ठीक है, अब मुझे ना हेयर कट की वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बट मैं नहीं करवा रही हूँ यार, पता नहीं. सो इसका ना लाइक आपको अगेन ये फ्रिल स्टाइल मिल जाएगा. अभी आपको लोगों को लग रहा होगा कि आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना ना यू नो फ्रिल की हुआ बट यार ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं. इसका ना ऐसा स्क्वायर नेकलाइन रहेगा बट ये ना थोड़ा सा सॉफ्ट कट वाला जो स्क्वायर नेकलाइन होता है ना वो आपको मिल जाएगा. क्रॉप लेंथ ही टॉप रहेगा एंड फिटेड आपको ही मिल जाएगा. बट यहाँ पर ना आपको देखो ये आपके वेस्ट के लिए ना आपको ये स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे. इसका फिटिंग मतलब इतना ज्यादा सही फिटिंग आया ना इसका. अच्छा, बैक साइड से भी ना आपको सेम नेकलाइन मिल जाएगी जो आपको आगे फ्रंट की साइड से मिलती है. रेड स्लीव्स पे आपको ये इस तरह से फ्रिल्स मिल जाएंगे एंड इसका मटीरियल यू गाइस इतना ज्यादा सॉफ्ट मटीरियल है ना, मतलब अब देखो यार रिप मटेरियल है बट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल है अंदर की साइड से भी बाहर की साइड से भी. ये है ब्रांड सैम से. यहाँ पर ये आई थिंक मेरा फर्स्ट टाइम है इनसे. मैंने यू नो ट्राउजर्स मैंने परचेज करे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं बट यार मैंने टॉप इनसे कभी नहीं परचेज करे थे. ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है. इसमें मैंने साइज दिया है स्मॉल अपना. एज यू कैन सी यहाँ पर परफेक्टली मुझे ये फिट हुआ है एंड ये टॉप मुझे मिला था 573 रुपीज में. नेक्स्ट इज दिस एनिमल प्रिंटिंग टॉप यू गाइस. तो इसका भी जो फिटिंग है ना ऊपर से एकदम फिटेड है, नीचे से ना इस तरह से थोड़ा जो फ्रिल वाला स्टाइलिंग होता है ना वो रहेगा.
शोल्डर्स के लिए आपको इसमें स्ट्रैपिंग्स मिल जाएंगी, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो फुल्ली। रेस्ट टॉप है बिल्कुल प्लेन है आगे की साइड से, एंड बैक साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से कुछ स्टाइलिंग दिया हुआ है। ट्राउन में ज्यादा से समझ आएगा, मतलब जो थोड़ा सा बैकलेस वाला स्टाइलिंग होता है ना वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये है ब्रांड फाउंड्री से यहाँ पर, एंड इसमें रहा है स्मॉल साइज, मुझे काफी अच्छे से ये वाला साइज फिट हो गया है। ये रहेगा ऊपर का जो मटेरियल है वो है 100% कॉटन मटेरियल। एज यू कैन सी सी थ्रू ट्रांसपेरेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ये ना ब्लैक कलर का लेयरिंग लगाया हुआ है पूरे ही टॉप में, पूरे नीचे तक मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो ये इसका एंड है, यहाँ तक आपको ये वाला लेयरिंग मिल जाएगा जिसकी वजह से ना काफी ऐसे फ्लोई भी रहेगा एंड समर टाइम में आपको बहुत अच्छे से सर्व भी करेगा। ये टॉप मुझे मिला था 520 रुपीज का। अच्छा नेक्स्ट जो टॉप मैं आपको दिखा रही हूँ ना वो मैंने मतलब बस ऐसे ही परचेज कर लिया, मतलब वहां पे ना अच्छे प्राइस में वो मिल रहा था, आ जाए यार अच्छे प्राइस में मिल रहा था तो मुझे लगा कि चलो ठीक है ले लेती हूँ। ये टॉप मुझे मिला था 230 रुपीस में, ठीक है। ये ना काइंड ऑफ शर्ट स्टाइल जो टॉप होते हैं ना उस टाइप से है, तो आगे की साइड में आपको ये इस तरह से नेकलाइन मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ये स्ट्रिंग्स मिले हुए हैं इस तरह से, तो आप इसे टाइप कर सकते हो। फुल स्लीव्स, लाइक फुल तो नहीं है ऐसे थ्री फोल्ड वाला जो स्लीव्स होता है ना उस टाइप के स्लीव्स आपको मिल जाएंगे। स्लीव्स के एंड पे यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाएंगे, तो आप इसे लाइक निकाल सकते हो अगर आपको रोल ऑन करके इसे वेयर करना है स्लीव्स को, तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। रेस्ट जो शर्ट है वो एकदम प्लेन रहेगी एज यू कैन सी यहाँ पर फ्रंट एंड बैक दोनों ही साइड से। ये वाला ना आप एक्चुअली फॉर्मली और कैजुअली दोनों तरह से वेयर कर सकते हो, बट फॉर्मली ये ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे ऐसा लगता है, एंड स्पेशली अगर मैं प्राइस के लिए बात करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा इस सच में। एंड इसका जो मटेरियल है वो भी कॉटन एंड रेयॉन जो मिक्स का मटेरियल होता है ना वो टाइप का रहेगा, तो समर्स के लिए काफी सही रहता है, काफी ब्रीदेबल मटेरियल होता है। ये है ब्रांड फिज से, एंड एक्स्ट्रा स्मॉल मैंने अपना साइज में लिया है क्योंकि ये ना ऑलरेडी लाइक इस तरह से था, लाइक फ्लोई एंड इस तरह से लूज टाइप का जो टॉप होते हैं उस टाइप से था, तो मुझे हुआ कि यार अपना ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज के साथ ही जाती हूँ क्योंकि ज्यादा मुझे लूज भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू नो अगर आप ऑफिस वगैरह में भी वेयर कर रहे हो ना तो फिर उसके साथ ना बेल्ट जब आप वेयर करते हो ना तो बहुत ही ऐसे यू नो ऐसे ऐसे जाती बहुत ज्यादा प्लेट्स बन जाती है, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल लिया एंड मुझे परफेक्टली ये फिट हुआ है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो। सारे ही प्राइस के लिंक्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे एंड मैं अपने कमेंट में पिन भी कर रही हूँ। बाकी मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, प्लीज टेक केयर। नेक्स्ट अप आई हैव दिस ग्रीन कलर डॉगी, इसको ना ऐसे बहुत मजा आता है, मतलब अगर कोई बाइक जा रही है स्कूटी जा रही है तो मतलब एक होता ना उनके लिए एंटरटेनमेंट है कि वही हो रहा है, बाहर कोई बाइक वाला गया है और मतलब वो बस स्टार्ट हो गए, अब वो कब शांत होंगे मुझे नहीं पता।